पार्टी के रिलेटिव खड़े हैं और कहते हैं कि नहीं आप उनका सहयोग करेंगे। हाँ तो उनकी बेटी का वोट उनको मिल सकता है, मेरा कोई संबंध नहीं है। और जहाँ तक संबंधी का सवाल है तो मेरा वो किसी तरह का कोई संबंधी नहीं है। और मैदान में आए हैं, फिर आज मैं कहता हूँ कि चिरुआ लड़ाई होगी और उनकी हार होगी, विधानसभा के सभी जाति धर्म के भाइयों की जीत होगी। नमस्कार, मैं हूं आकाश और लगातार हम लोग चुनाव के इस समर में लोगों के पास जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, साथ ही साथ उन नेताओं से भी मिल रहे हैं जो लोग प्रमुखता से क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभाते रहे हैं और निभाने की कोशिश कर रहे हैं और वादे भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं सिवान के एक वरिष्ठ नेता जो लंबे समय से सिवान की राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं और हर लोग इन्हें सिवान का गांधी भी कहता है। कारण ये है कि ये राजनीति में रहते हुए भी लोग को बहुत संयम से बात करते हैं और बिल्कुल आज तक इनके ऊपर एक FIR भी नहीं है किसी भी तरह के आपराधिक मामलों का। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति फिर से चुनावी मैदान में हैं और सिवान में किन किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं इनसे जानते हैं। हमारे साथ हैं और बिहारी चौधरी जी जो पूर्व में काबीना मंत्री रहे हैं और कई बड़े अहदे पर रहकर इन्होंने सिवान की सेवा की है। 15 सालों के बाद एक मौका आपको फिर से मिला है, क्या आपका मुद्दा होगा सर? मेरा मुद्दा होगा शिक्षा में जो गिरावट हुई है तो शिक्षा में सुधार हो। सुधार के लिए मेरी सरकार इस बार बनेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। जो स्थिति और जो दुर्दशा सिवान में शिक्षा की है उस दुर्दशा को मैं निश्चित सुधार करने के लिए अपने सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा। मैं स्वयं काफ़ी प्रयास करूंगा, इसलिए कि शिक्षा जहां है वहीं जगह जो है वही जिला विकसित माना जाएगा। दूसरा चीज़ हमारा चिकित्सा। चिकित्सा में मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से जनता और मतदाता भाइयों से कि यहां चिकित्सा में भी बहुत गिरावट है और यहां के जो वर्तमान विधायक हैं वो जो है स्वास्थ्य के राज्य मंत्री भी रहे हैं, मतलब सरकार में रहे हैं। और अभी जो है स्वास्थ्य मंत्री इसी जिला के रहने वाले श्री मंगल पांडे जी हैं। दो दो स्वास्थ्य मंत्री इस जिला से हैं, परंतु बहुत अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि सिवान जो सदर हॉस्पिटल है वह आज भी जिला अस्पताल का दर्जा उसको नहीं मिला है। जिला के दर्जा अगर अस्पताल का मिलता तो काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती। स्वास्थ्य ही धन है, अगर स्वस्थ नहीं तो सारे चीज़ बिल्कुल बेकार है। इसलिए स्वास्थ्य पर पूरे ध्यान देने के लिए इस पे फोकस रहेंगे, पूरा फोकस करें। एक चीज़ जानना चाहते हैं कि लगातार ये देखा गया है कि जो भी नेता क्षेत्र में निकलते हैं तो उनका मुख्य फोकस होता है रोड, नाली, बिजली, यही चीज़ पे बातें करते हैं और ये सदियों से चला आ रहा है। क्या विकास का मुख्य एजेंडा यही होना चाहिए कि इससे आगे हमको सामाजिक स्तर पर कुछ विकास करना चाहिए, व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, मानवता के विकास होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर मुद्दे पर क्यों नहीं बात होती है? समरस समाज का निर्माण मजबूती से हो और ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो। किसानों के जो गांवों में बसते हैं, जो अन्नदाता है, उनके लिए काम हो, उनके लिए खाद, बीज और पानी सस्ते दर पर मिले, इस पर काम होना चाहिए। तो गांवों का विकास अगर होगा
तो समझिए कि आपका देश का राज्य का विकास होगा, जहाँ किसान बसते हैं, मजदूर लोगों के लिए भी मजदूरी उनको मिल जाए, इस दिशा में भी हम काम करेंगे, मजदूरों के भी हित में मेरा मतलब पूरा पूरा ध्यान रहेगा कि मजदूर को भी अच्छे तरीके से मजदूरी मिले, वो बेरोजगार हैं, बेकार नहीं रहे। बड़ा हॉप रहा था यहाँ पे मजदूरी के लिए, यानी व्यवसाय के लिए, तीन तीन चीनी मिले, सूता मिले, चमड़ा मंडी, ये सब कुछ यहाँ पे थे, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे ध्वस्त हो गए हैं। आज स्थिति ये बनी हुई है कि नए युवा जो आते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है रोजगार का। अगर रोजगार होगा तो लोग विकसित होंगे, उनको पैसा कमाएंगे, इस मुद्दे पर क्या खास करेंगे? सिवान में एक भी उद्योग नहीं है, और जो यहाँ पर उद्योग चीनी उद्योग था, स्पिनिंग मिल था, जो वर्तमान के सरकार है या यहाँ के नेता लोग हैं, वो न चीनी मिल चला सके न सूता मिल चला सके, औने पौने में उसको बेचने का काम हुआ। स्पिनिंग मिल देख ही रहे हैं, जिसी भी रोज उसको ढा रहा है। चीनी मिल के देखिए पचरुखी, तो प्राइवेट लोग ज़मीन खरीद लिए हैं, इसके जी वैसे ही मुँह बाए खड़ा है, और न्यू सिवान चीनी मिल भी बिल्कुल कुछ नहीं है, खंडहर हो गया उसका, तो जो एक एक ईंट भी बेच दिया, मट्टी भी कोड़ करके लोग बेच रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे मजदूर है या कामगार है, जब उद्योग नहीं रहेंगे तो उनको कहाँ रोजी रोटी मिलेगी। साथ ही साथ सबसे बड़ा समस्या है कि इस जिला में पढ़े लिखे हमारे नौजवानों की ज़बरदस्त फौज है, और नौकरी के तलाश में वो लोग घूम रहे हैं, लेकिन जो अस्थाई नौकरी थी, सैंक्शन नौकरी थी पोस्ट, वो तमाम यह सरकार ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। जब नौकरी करने वाले का जब एज ख़त्म हो जाता है, रिटायर करते हैं, तो वो सैंक्शन पद भी स्वतः ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो है हमारे नौजवानों का, पढ़े लिखे लोगों का जो फौज है, बेकार है, बेरोजगार है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो आप समझिए कि जब ये हमारा नौजवान बेकार रहेगा तो स्थिति क्या होगी? अपराध बढ़ेंगे, बिल्कुल आपराधिक मामले बढ़ेंगे, इनकलाब जिंदाबाद के मामले उठेंगे। इसलिए शांति के लिए और सद्भावना के लिए, अब बेरोजगार लोगों के लिए, और जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो हमारे सड़कों पर घूम रहे हैं, कहीं उनको नौकरी नहीं मिलती है, तो उन लोगों के लिए मैं सरकार बनेगी तो उसमें प्रयास करूंगा, उन लोगों को रोजी दिलवाऊंगी, नौकरी दिलवाऊंगा, क्योंकि हमारे होने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा, ऐलान किया है कि सरकार बनेगी तो प्रथम कैबिनेट में जो हमारा हस्ताक्षर होगा वह 10 लाख अस्थाई जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को नौकरी देने के लिए हम हस्ताक्षर करें। ये एक अच्छी पहल है, और आपको बताना चाहते हैं कि सिवान में जो सीता मिल थी, जो रोजगार का एक जरिया हो सकता था, वहाँ अगर रोजगार होता तो हजारों लोग काम करते हैं, उसे अब बेरोजगारी बनाने का फैक्ट्री बना दिया गया है। यानी वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात हो रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बनेंगे, लेकिन वो इंजीनियर कहाँ नौकरी करेंगे, इसकी कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि सर हम लगातार पढ़ाई के लिए व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जो बेरोजगारी आ जाती है, जब तक वो पढ़ा नहीं है तब तक तो मजदूरी भी कर लेगा, लेकिन पढ़ने के बाद जब बेरोजगारी आ जाती है तो फिर उसको नौकरी चाहिए, फिर क्या करेगा? देखिए, आपने कहा कि स्पिनिंग मिल को तोड़ करके वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए सरकार ने निर्णय, बेरोजगारी की फैक्ट्री ही कहिए, तो वहाँ के कामगार बहुत दिनों से काम किए, उनके बकाया बाकी है, परिश्रमी बाकी है, उसको नहीं दिया गया। और बतलाइए, एक तरफ आप प्राइवेटेशन में जा रहे हैं और दूसरे तरफ आप इंजीनियरिंग खोल रहे हैं, हमारे और समाज के जो हमारे लड़के हैं, बच्चे हैं, वो लोग इंजीनियरिंग पढ़ करके जब नौकरी रहेगी ही नहीं
तो कहाँ नौकरी करेंगे, क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके दिशा में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है, इसीलिए कहा है कि भिन्न भिन्न तरह की नौकरियां जो 10 लाख हम स्वीकृत करेंगे और अस्थाई नौकरी देंगे तो उन लोगों को नौकरी मिलेगी और वो लोग रोजगार होंगे। लेकिन अफसोस है कि ये शिक्षण संस्थान टेक्निकल खोले जा रहे हैं लेकिन उसमें से जो पास करेंगे उनको कहाँ आप नौकरी देंगे, क्या वो लोग करेंगे? प्राइवेट आप करते जा रहे हैं, जो भी उपक्रम है सब प्राइवेट कर रहे हैं। तो प्राइवेट में तो भाई जो उसके मालिक होंगे उनकी मर्जी, जिसको रखना चाहेंगे रखेंगे, जिनको नहीं रखना चाहेंगे नहीं रखेंगे, और रखेंगे भी तो उनको 10,000 15,000 5,000 रुपया देंगे। अगर वो कहेगा कि हम नहीं करेंगे तो कहेगा कि घर जाइए, हमको दिल करेगा तो हम जिसको रखेंगे, नहीं दिल करेगा नहीं। तो मतलब कि ये बहुत एक समस्या इस देश में, इस राज्य में, इस जिला में खड़ा होने की स्थिति में है। इसलिए हम अपने स्तर से जनता मतदाता और ये हमारे शिक्षित बेरोजगार सब लोग हमें अगर आशीर्वाद सहयोग करेंगे तो मैं अपने स्तर से काफ़ी मेहनत करूंगा, नियोजन हो, नियोजन मिले, नौकरी मिले, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। हम नेता जी आपसे ये जानना चाहेंगे, 15 साल हो गए, 15 साल के बाद आप फिर जनता के बीच आ रहे हैं, 15 साल जाना तो हमेशा रहा है लेकिन जनता ने नकारा है किसी न किसी पॉइंट को लेकर, लेकिन इस बार क्या खास है कि आपके साथ जनता रहेगी और आपको सरताज बनाएगी? ये मैं नहीं कहता हूँ, पूरे सिवान और बिहार कहता है कि मैं देश के राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी के सिद्धांत और नीति पर चलता हूँ। वही हमारा दर्शन है, वही हमारा सोच है, समझदारी है, शांति सद्भावना आपसी भाईचारा सत्य और अहिंसा। तो मैंने सत्ता में रह करके भी या नहीं रह करके भी सभी वर्ग के सभी जाति भाई को मैंने इज्जत दिया है, प्रतिष्ठा दिया है। जो हमारे पास आए हैं किसी काम से उसमें मैं ना नहीं कहा हूँ, मैं काम किया हूँ और सब लोगों के साथ रहा हूँ, सबको प्यार दिया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जनता जो मालिक है उसके बीच में मैं अस्थाई रूप से सिवान में रहता हूँ। बहुत सारे नेता हैं जो दिखते ही नहीं है, तरस जाती है ये अपने मतदाता और जनता कि हमारा MLA कहाँ है, हमारा MP कहाँ है। वैसे परिस्थिति में जो प्यार मैं दिया हूँ वही लोग पुनः हमको प्यार दे रहे हैं और हमको मानते हैं, हमको पूरा इज्जत देते हैं, आज भी इज्जत दे रहे हैं। और वो तमाम जनता के आशीर्वाद इस बार आपके साथ होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है जनता के सामने। आपके एक रिलेटिव खड़े हैं और कहते हैं कि नहीं आप उनका सहयोग करेंगे या आप उनका सहयोग करेंगे, ये तो पागलपना है। हम एक वो यहाँ तक ही कहते हैं कि उनके घर में मेरा वोट है, मेरी बेटी है, मेरे दामाद है। हाँ, तो उनकी बेटी का वोट उनको मिल सकता है, उसके लिए हम कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जनता आउट एंड आउट उनको रिजेक्ट कर दी है। 10 बरस वो MP रहे हैं और कोई इलाके में काम नहीं किए हैं, किसी से कोई मतलब रिश्ता उनको नहीं रहा है और कोई विकास के काम नहीं किए हैं, न रोड, न स्कूल, न पुल, न पुलिया, कोई काम नहीं किए हैं। इसलिए उनके प्रति रुझान नहीं है, लोगों ने तो देख लिया है 10 वर्षों में, अब क्या देखना है। और जहाँ तक संबंधी का सवाल है तो मेरा वो किसी तरह का कोई संबंध ही नहीं है उनसे, मेरा कोई संबंध नहीं है। और मैदान में आए हैं, फिर आज मैं कहता हूँ कि चिरुआ लड़ाई होगी और उनकी हार होगी, हमारी जीत होगी, हमारी जीत नहीं होगी, हमारे विधानसभा के सभी जाति धर्म के भाइयों की जीत होगी और निश्चित राष्ट्रीय जनता दल इस सिवान से इस बार चुनाव जीतेगा और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जीतेगा और बिहार में इस बार सरकार बनेगी, भाजपा का खात्मा होगा
और भाजपा भगाओ राज बचाओ जिला बचाओ इस तरह के अभियान चल रहे हैं, इसलिए कि उन लोगों के पास कोई काम करने के लिए मुद्दा नहीं है, कोई काम करने का सोच समझदारी नहीं है। मैं जनता मालिक है और जनता मालिक के बीच आया हूं, और वो क्या अपील होगी जनता से ही अपील होगी कि बंधु भाइयों नौजवानों किसान मजदूरों दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा और तमाम जो है ऊंच जाति के भाई अल्पसंख्यक सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा, आपसे राय करके ही मैं कोई काम करूंगा, आपके बीच से भाग नहीं जाऊंगा, और जो भी काम करूंगा मैं अस्थाई काम करूंगा, परमानेंट स्ट्रक्चर मैं दूंगा, जो लूट खसोट वाली नहीं होगी, जो एस्टीमेट बनेंगे तो एस्टीमेटेड कॉस्ट होंगे, आइटम ऑफ वर्क क्या उसमें है उसको देख करके हम काम करावेंगे, और ये भ्रष्टाचार जो है इसको दूर करेंगे, ये जो है पूरा घुसखोरी बढ़ी है इसको कम खत्म करेंगे, तो जनता से सभी वर्ग के कथा लिखी गई थी। जब आप यहाँ पे विधायक हुआ करते थे, साहबुद्दीन यहाँ सांसद हुआ करते थे, उस समय आपने कई ऐसे बड़े काम किए, आपके फंड से भी काम हुआ, इंडोर स्टेडियम जिसमें आपका भी फंड लगा था, लेकिन आज उस खंडहर हो गया है, राजेंद्र स्टेडियम जिसमें आपकी फंड लगी थी, आपने भी उसमें अपना अहम योगदान लिखाया था, वो भी आज खंडहर हो रहा है, उसकी देख रेख के लिए नहीं। क्या आपको लगता है कि सरकार आपके समय के किए गए कार्यों को खराब कर रही है? हम लोगों ने जो काम किया वह यादगार के रूप में आज भी खड़ा है, और इंडोर स्टेडियम उत्तर बिहार का सबसे बड़ा इंडोर गेम के लिए वो बना, जिसमें सांसद जी और मेरा भी उसमें जितना हमको सहयोग करना था हम किए, जितना उनको करना था वो किए, लेकिन आज वो स्थिति है कि उसके सेलिंग जो है वो टूट टूट करके गिर रहा है, उसकी स्थिति मतलब इतना दयनीय है, इतना ख़राब हो गया है, जो देख करके आदमी अफसोस करता है कि क्या था और क्या हो गया। यह सरकार जो है रख रखाव भी नहीं कर पाई, रख रखाव नहीं पर कर पाई, जबकि वो जो है इंडोर स्टेडियम को ये लोग किराए पर भाड़े पर कोई फंक्शन करने के लिए देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अगर वह पैसे से उसको रिपेयरिंग करा देते तो एक बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। पीछे का तो रीज़न यही है कि आप लोग के काम को नस्तबूत किया जाए, तो हमारे ही ज़माने के तो टाउन हॉल है, हम ही लोगों के ज़माने का जिला परिषद का हॉल है, हम ही लोगों के ज़माने का जो है वो आपका जो है राजेंद्र स्टेडियम है, डीएवी कॉलेज है, सिवान हॉस्पिटल है, क्या हम लोग जो बनाए थे उससे सिर्फ आरजेडीए लाभ लेता है कि ये लोग भी लाभ लेते हैं, सब लोगों के लिए वो काम करता है, और आपसे बतला देते हैं कि ये लोग बतला दें कि हम लोग तो इंडोर स्टेडियम बनाए, राजेंद्र स्टेडियम बनाए, टाउन हॉल बनाए, विद्या भवन महाविद्यालय बनाए, हॉस्पिटल में ब्लड बैंक बनाए, सब चीज़ बहुत सारे हैं, जितना गिनाया जाए कम होगा। इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, सब कुछ हुआ, ये लोग तो 10 बरस जो रहे एमपी साहब वो बतावें, और जो 15 बरस जो है अभी विधायक जी हैं ये रहे ये बतलावें, हमको एक चीज़ ही लोग दिखला दें कि इन लोगों का बनाया हुआ यादगार के रूप में कौन चीज़ है, कौन जगह है, हमारे बनाए हुए जो हमारे बनाए हुए जो काम है उसी का तो उपयोग ये लोग करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल इन्होंने आज किया है तो इसका जवाब जनता से को लेना चाहिए, उन लोगों से जो अब प्रत्याशी बन के क्षेत्र में घूम रहा है कि 10 वर्षों में क्या हुआ, 15 वर्ष में क्या हुआ, और विगत के सालों में क्या हुआ था, क्योंकि विकास की जो रूपरेखा देखी जानी चाहिए वो रूपरेखा विगत 15 सालों में सिवान विधानसभा में नहीं की गई है, और ना ही इस पूरे संसदीय क्षेत्र में की गई है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल जनता के पीछे है, और ये सवाल यहाँ के वर्तमान के राजद के प्रतिनिधि और पूर्व मंत्री ने किया है, और हम भी करते हैं कि जनता को वो नेता बताएं जो लगातार शासन करते रहे हैं, राज की नीति करते रहे हैं, जो सेवा नीति से बहुत दूर रहे हैं, वो लोगों ने क्या किया है। इन सवालों के साथ जनता के बीच नेता जा रहे हैं, और नेता से सवाल पूछने चाहिए जनता को कि आखिर में विकास के नाम पर सिर्फ रोड नाले और बिजली जो हर जगह होने हैं, चाहे कोई करे ना करे, सरकार का नियम है, क्योंकि सरकार
प्रशासन आम पब्लिक से टैक्स लेती है और आम पब्लिक के पैसे से ही वो सारा विकास करती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन इससे इसके अलग स्वास्थ्य की दृष्टि में, खेल के जगत में क्या क्या काम हुए हैं, ये एक सवाल है। और इसी सवालों के साथ हम छोड़े जाते हैं आपको, फिर अगले लोगों से भी मिलेंगे और बात करेंगे इन सारे सवालों को और आम जनता से भी बात करेंगे।